जी तो दोस्तों, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। ये है पाकिस्तान के स्टैम्प्स की कलेक्शंस। आप देखते जाइए, जो अभी स्टैम्प्स कलेक्शंस हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारे स्टैम्प कलेक्शन मैं आपको इसलिए एक साथ दिखा रहा हूँ ताकि इजीली आप लोग देख लें सब, आपका भी टाइम बचेगा और आप कम टाइम में सारी स्टैम्प्स देख सकेंगे। ये सारी पाकिस्तान की स्टैम्प्स हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ये हैं, और इनके मुतालिक आप कुछ भी पूछना चाहें या इनमें से अगर कोई आपको चाहिए स्टैम्प, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी अपनी कलेक्शन है और वो स्टैम्प्स लेना चाहता है तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर ले। इसके अलावा ये यूएसए की है, कुछ बीच में मिक्स हो चुकी हैं, कुछ स्वीडन की हैं, कुछ तेहरान की हैं, रोमानिया की हैं, रोमान, कुछ बीच में अब आपको यूएसए की नज़र आएंगी। ये यूएसए की स्टैम्प्स हैं और ये आप नीचे देख लेंगे, कुछ और स्टैम्प्स भी हैं यूएसए की, कुछ दूसरे मुल्क की हैं। इसके साथ ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत मुझे पसंद है। ये आप देखें, बहुत ही प्यारे स्टैम्प्स हैं। स्टैम्प्स को देखो तो बंदे का दिल खुश हो जाता है कि क्या स्टैम्प्स बनाएंगे। देखें आप, ये तो मलका विक्टोरिया की बग्घी लग रही है मुझे। और ये मलका विक्टोरिया आ गई भी भाई, मलका एलिजाबेथ आ गई। ये आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी स्टैम्प्स है। अब मैं मजीद आगे चलता हूँ। ये मैंने आपको दिखाई थी, ये ऊपर जो फर्स्ट स्टैम्प तो सऊदीया की है और ये किसी दूसरे मुल्क की स्टैम्प्स हैं और ये सऊदीया की स्टैम्प्स हैं। ये सब सऊदीया के स्टैम्प्स थी। ये आ जाते हैं हम लोग ईरान की स्टैम्प्स पे। ये सारी ईरान की स्टैम्प्स हैं जो कि डबल डबल हैं, तो वो उनके पीछे लगी हुई हैं। ये ईरान की हैं। इसके नीचे आपको कुछ थोड़ी सी इंडिया जी की, भारत साहब की थोड़ी सी स्टैम्प्स मिलेंगी। अच्छा जी, अब आगे नेक्स्ट कर लेते हैं। ये आपको दिखने को मिलेगी बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश जो कि हमारा हिस्सा था पाकिस्तान का 1971 की जंग के बाद। कुछ मसाइल की वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था। आज वो अपना मुल्क है, काफी तरक्की कर रहा है, क्रिकेट की टीम भी काफी अच्छी हो गई है उनकी, हम लोगों से सीख के। खैर, हम लोग सिखाते हैं और खुद भूल जाते हैं। ये जो छोटे छोटे स्टैम्प है, ये मुझे कोई आइडिया नहीं कि कौन से मुल्क है। बस इनके ऊपर जानवर बने हुए, बकरियां बनी हुई, कुछ समझ नहीं आया मुझे। बहुत कोशिश की मैंने, सर्च भी किया बट नहीं पता चला। और ये आप देखें, सारे स्टैम्प्स कम से कम 30, 25, 35 इसी तरह की एज के हैं ये सारे स्टैम्प। हाय हाय, ये मेरी फेवरेट है मलका विक्टोरिया। आय हाय, एलिजाबेथ विक्टोरिया। आ हाय हाय हाय, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये एलिजाबेथ, मलका एलिजाबेथ। दिल आ जाता मेरे इनके ऊपर। यहाँ पे मैंने एक स्टैम्प देखी थी, फर्स्ट एम्बुलेंस। ये है जी, फर्स्ट एम्बुलेंस के ऊपर ये कोई शाया हुई होगी पोस्ट 1965 में, ये शाया हुई है फर्स्ट एम्बुलेंस के ऊपर। बहुत अच्छी स्टैम्प्स, मजे की लग रही थी। और ये आप देखते जाएं, ये बड़ी प्यारी लगी है मुझे। इनके लोगो टाइप देख रहे हैं आप, कुत्ते बकरियां बने हुए हैं इसके ऊपर, घोड़े बने हुए, यूनिकॉर्न्स। ये बड़ी अच्छी लगी है, शेर। ये बहुत अच्छी लगी मुझे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम।
कनाडा, कनाडा आ गया जी, कनाडा। और कनाडा जाना जी, कनाडा की स्टैम्प सही है कुछ। मंगोलिया, मंगोलिया, मंगोलिया। अच्छा, और ये फिर से आ गया हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश। चावल बहुत अच्छे होते हैं इनके, मच्छी खाएगा और चावल खाएगा। मैं इनका मजाक नहीं उड़ा रहा, छोटे कट वाले हैं पर हम लोगों से आगे निकल चुके हैं, काफी मेहनत मेहनती लोग हैं ये लोग, मेहनत की है इन लोगों ने और अपने मुल्क को बनाया, खुद को बनाया, हमारी तरह सिर्फ छपाई नहीं मारी। हाँ जी, ये बहुत अच्छी सी स्टैम्प क्रॉस है। अब यहाँ पे आपको नीचे कुछ थाईलैंड की स्टैम्प्स मिलेंगी देखने को, ये है थाईलैंड बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग कहलाता है। मैंने इसलिए सारी एक वीडियो में बना दी कि, और ये मेरे फेवरेट हैं, ये तो मेरा फेवरेट, वन ऑफ फेवरेट, और ये हमारे सुपर हीरो, ये हमारे सुपर हीरो हैं बस, ये इस पे तो मैं फिदा हूँ। हमारे नेशनल ये जानवर हैं और इन पे मैं फिदा हूँ जी। सो होप यू एंजॉय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। कलेक्शन मैंने आपको पूरा दिखा दिया, सो गुड बाय, बाय बाय।